महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के सभागार में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन अवैधनाथ महाराज की स्मृति में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सभी संस्थाएं ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ व ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में व्याख्यान माला का आयोजन कर रही है। उसी क्रम में कॉलेज में व्याख्यान माला का शुभारम्भ हुआ है, जिसका विषय 2047 का भारत है कि उस समय भारत कैसा होगा, जिस पर चर्चा की गई है। हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कि विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जल्द ही भारत विश्व गुरु होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने कहा, एक गौरव का विषय। मैं
विनाश के कगार पर जा सकते हैं। कभी भी कोई डिसीजन ऐसा ले, और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे डिसीजन लिए गए कि मिनटों में एक विकसित राष्ट्र ध्वस्त होकर के कंगाल भी हो। तो बाकी प्रगति एक आदमी, इसीलिए दो क्षेत्र युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की पावन स्मृति में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की प्रत्येक संस्थाएँ व्याख्यान माला के आयोजन कर रही हैं। उसी के तहत महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज अपने बलरामपुर सभागार में आज व्याख्यान माला का प्रथम दिवस का कार्यक्रम रखा है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर बलवान सिंह जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बटौली डिग्री कॉलेज। आज का जो मुख्य विषय है हमारा 2047 का भारत, एक महत्वपूर्ण विषय है। अभी हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे थे 75 वर्ष पूरे होने पे, तो आज ये रूपरेखा तय की जाएगी कि 2047 में हम लोग कैसे भारत की उम्मीद रख रहे हैं, कि हमारे भारत में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह के विकास जो है और हम कहाँ तक पहुँचने का लक्ष्य रख करके जो है आगे बढ़ सकते हैं, और कहाँ तक पहुँचेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा विकास जो है बेहतर ढंग से आगे बढ़ा।